हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है तो लगभग ट्रेड कर रहा है 8.5% नीचे। लास्ट मंथ में हमने लगभग फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी थी, लगभग 1% डाउन बंद हुआ था। इस महीने हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है, लगभग 8.5%, 3000 प्लस पॉइंट हम डाउन ट्रेड कर रहे हैं ऑन बैंक निफ्टी। यहाँ बैंक निफ्टी ने मंथली चार्ट पे जो 20 मंथ का एवरेज है उसको ब्रिज कर लिया है, और यहाँ मुझे लगता है कि हम 29,500 के लेवल के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ जो 20 मंथ का एवरेज है उसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 33,650 के अराउंड। तो उसके अराउंड आपको अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ 29,500 की तरफ हम लॉन्गर टर्म में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसके नीचे अगर जाते हैं तो हमें 24,500 तक के भी लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, या फिर 24,000 के अराउंड के लेवल जो है तो लॉन्गर टर्म में आ सकते हैं। और उसके तरफ शायद हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ये सेलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि हम शायद आने वाले हफ्तों और महीनों में 24,000 का भी लेवल देख सकते हैं, अगर हमने 29,500 का लेवल ब्रीच कर लिया तो। तो पहला जो स्टॉप रहेगा निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, वो रहेगा 29,500 का। अगर उसको ब्रिज करते हैं तो हम 24,000 का भी लेवल यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन लॉन्गर टर्म होराइजन। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते हम बंद हुए लगभग 4.5% नीचे, लगभग 1500 पॉइंट डाउन। लास्ट वीक 1500 पॉइंट प्लस डाउन थे हम, लगभग 4% प्लस। तो सेम ही है लास्ट वीक के जैसे ही हम यहाँ जो है तो सेल ऑफ देख रहे हैं। और यहाँ हम अभी जो है तो लगभग 100 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ 29,900 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी। और यहाँ जो सेल ऑफ रहेगा वो शार्प होते हुए दिखेगा आपको। यहाँ एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को 29,900 से लेकर 29,500 के लेवल जो हमने मंथली चार्ट पे देखे थे उसके तरफ लेकर जा सकता है। यहाँ मल्टीपल टारगेट्स रहेंगे, मगर जो मेजर टारगेट बन के आता है वो 29,500 के अराउंड आता है। तो वो लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। यहाँ जब तक हम लगभग 33,500 के नीचे है तब तक मुझे लगता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस तो यहाँ बेरिश व्यू ही रहेगा बैंक निफ्टी में। और यहाँ जो है तो आने वाले हफ्तों में या आने वाले 4 से 5 हफ्तों में 29,900 से लेकर 29,500 के लेवल आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने पहले 200 डेज एवरेज ब्रीच किया था, उसके बाद में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी। यह शॉर्ट को अच्छे से ट्रैप किया था मार्केट ने, मगर इस बार जो हमने तोड़ा है तो यहाँ अच्छे खासे सेलिंग जो है तो प्रेशर कंटिन्यूस है। और यहाँ अभी हम जो है तो ओवरसोल्ड रीजन में ड्रिप डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बॉटम में एक अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम बनते हुए देखेगा, जिसमें बैंक निफ्टी जो है तो बहुत ही नीचे के लेवल पे जा सकता है। यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे आप देखोगे 33,600 का लेवल है। अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी रहता है जब तक रहेगा तब तक मेरा सेलिंग का भी व्यू रहेगा। और यहाँ जो है तो नीचे आपको जो टारगेट बनते हैं तो टारगेट रहेंगे लगभग 32,000 का, उसके बाद में 31,000 का, और लास्ट में जो है तो 29,500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मल्टीपल टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे एक के बाद एक आते हुए, मगर जब तक बैंक निफ्टी 33,600 के नीचे है मुझे लगता है कि आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए। टारगेट रहेंगे 32,000, उसके बाद में 31,000, लास्ट में जो है तो 29,500 के टारगेट आप बैंक निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम डेली और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 33,600 के ऊपर क्लोजिंग देते तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को लेकर जाएंगी लगभग 35,950 के लेवल के तरफ। और उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, ओनली 20-30% पॉसिबिलिटी है कि वो रिकवरी आएगी। मुझे लगता है कि हम जो है तो शायद 60-70% पॉसिबिलिटी है कि हम ड्रिप डाउन करते रहेंगे और हम जो है तो नीचे के लेवल एक के बाद एक आते हुए देखेंगे।
तो अगले वीक के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी 33,600 के नीचे बैंक निफ्टी जो है तो बेरिश रहेगा, टारगेट 32,000, उसके बाद में 31,000। अगर हम 33,600 के ऊपर डेली और वीकली क्लोजिंग देते हैं तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे शॉर्ट कवरिंग रैली टूवर्ड्स 35,900, और उसी उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत लो है। करंटली मार्केट जो है तो बहुत ही वीक लग रहे हैं, और यहाँ जो है तो हम शायद आने वाले दिनों में नीचे के ही लेवल देखते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मोस्टली आई विल प्रीफर सेल ऑन प्राइस व्यू विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो बाउंस बैक पे आपको इन द मनी पुट ऑप्शन लेकर चलना है, और यहाँ जो है तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो 31,000, 32,000, उसके बाद में 31,000। तो उस तरह से आपको जो है तो ऑप्शन प्लान करने चाहिए। आई विल सजेस्ट टू बाय इन द मनी पुट ऑप्शन, नॉट द आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप बाय कर सकते हो एज अ जीरो और हीरो ट्रेड, बट क्योंकि यहाँ जो है तो टाइम आपके हाथ में नहीं रहता है, तो उसके वजह से जो है तो वो ट्रेड लॉसेस में भी जा सकते हैं। मगर आप ले सकते हो एज ए हीरो और जीरो ट्रेड, जिसमें जो है तो आपका लॉस जो है तो प्रीमियम की इतना ही रहेगा, और छोटे प्रीमियम बाय करके आप उसको होल्ड कर सकते हो। और अगर वो एट द मनी आ जाता है ऑप्शन, तो आपको जो है तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स उसमें देखने को मिल सकते हैं, लगभग 3x, 4x, कभी कभी 10x तक भी रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ मुझे लगता है कि मोमेंटम बिल्डअप होगा, और यहाँ जब तक बैंक निफ्टी 33,600 की नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आई विल रिमेन बेरिश, और जो टारगेट रहेंगे मेरे 32,000, 31,000, 29,500 के। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.